हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंटी, स्माइल करो बेटा, स्माइल। यस। चल, अभी सेल्फी लेते हैं। ये देख, कितनी अच्छी फोटो आई है ना। तुम फिर स्टार्ट हो गई जी, ये फोटो में डालूंगे ना, इसकी बहुत सारे लाइक्स आएंगे। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने बच्चों में हम सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं देखते, बल्कि बीता हुआ कल देखने की कोशिश भी करते हैं। हमारी चाहत यही होती है कि हमें जो जो बचपन में नहीं मिला वो सब कुछ हम अपने बच्चों को दें। 2 वर्षीय बंटी पर अपराध की दस्तक मंडरा रही थी और उसकी माँ निमिषा को इस बात की भनक नहीं थी कि किसी ने उसके बेटे बंटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। और ये कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई थी और आगे भी अपराध अपनी दस्तक देने वाला था। आलोक जी, आप ना बस रहने दीजिए। अब आप ना मेरे बारे में सोचते और ना ही बंटी के बारे में। ये कैसी बात कर रही है निमिषा? अरे तुम और बंटी तो मेरा परिवार है। चलो अभी गुस्सा थूको और शांति से बात करो। अब बात करने को रही क्या गैर? आपने सब खत्म कर दिया निमिषा। बंटी कहाँ चला गया? बंटी, 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 रुक। संजीव। हाँ जी, बोलिए। तो दुकान संभाल, मैं आता हूं। ठीक है। निमिषा, तू नीचे देख, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे देख कर आती हूँ। हाँ
बंटी भैया आपने बंटी को देखा क्या? नहीं, हमने तो बंटी को नहीं देखा। बंटी बंटी। अरे निमिषा क्या हुआ? मयूरी दीदी, बंटी अभी ऊपर ही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर वाले फ्लोर पे भी वो किसी के घर में नहीं। बंटी बंटी। लीजिए चाय। बंटी बंटी। क्या हुआ मयूरी? अरे नजरिन चाची, वो पांडे जी का बेटा ना बंटी, कहीं मिल ही नहीं रहा। अरे बंटी खुद से सीढ़ियां उतर कर नीचे थोड़ी ना आ सकता है, होगा ऊपर ही कहीं पे। सही बोल रहे हैं चाचा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा था, ऊपर सीढ़ियों के पास ही तो खेल रहा था वो। मिला बंटी मयूर। अरे ये ललन कह रहा है कि इसने बंटी को ऊपर ही देखा था। ऊपर कहाँ? सब जगह देख लिया पर कहीं नहीं मिल रहा। अरे इतना सा तो है, घुस गया होगा किसी पलंग के नीचे और आप लोगों को पता नहीं चला होगा। ध्यान से देखो। क्या हुआ पांडे जी? वो तुम्हारा बेटा बंटी कहीं मिल नहीं रहा है। सर मैं किचन में काम कर रही थी, बंटी कमरे में खेल रहा था। मैं जैसे दूध गर्म करके कमरे में आई, बंटी वहां नहीं था। बहुत ढूंढा सर उसे पर कहीं नहीं मिला। साहब समझ नहीं आ रहा, ये बंटी आखिर गया तो गया कहाँ? वो तो खुद से सीढ़ियां भी नीचे नहीं उतर सकता था। तो कोई उठाकर ले गया होगा। आप लोगों में से किसी ने ऐसे इंसान को देखा जिस पर आप लोगों को शक हो? सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन हो सकता है जो बंटी को घर के बाहर से उठाकर लेकर जाएगा? देखिए या तो आपका बेटा कहीं बिल्डिंग में ही है या फिर कोई उसे उठाकर ले गया है। बिल्डिंग में सीसीटीवी है कहीं? नहीं साहब, हमारी बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? जी वो मैं रद्दी वाले को ढूंढ रही थी। अब्दुल चाचा कहाँ गया? वो कौन रद्दी वाला? जी ललन, हमारी बिल्डिंग से सारी रद्दी वही लेकर जाता है। जब हम बंटी को ढूंढ रहे थे तो उसी ने बताया कि उसने बंटी को ऊपर देखा और आप लोगों के हाथी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यहाँ पे अब ये लीजिए। पहले क्या हुआ? शकुंतला दीदी बंटी खो गया। क्या बंटी खो गया? आप कौन? साहब ये शकुंतला है, हमारी बिल्डिंग में रहती। कहाँ से आ रही हैं? साहब मैं मेरी बहन के यहाँ गई थी गाजियाबाद। कब गई थी? मैं आज सुबह से ही वहां थी। शर्मा बिल्डिंग का हर एक घर चेक करो, या तो बंटी बिल्डिंग में ही कहीं है या फिर कोई उसे उठाकर लेकर गया। और पता करो कि पास की बिल्डिंग में सीसीटीवी है क्या, और इस रद्दी वाले के बारे में भी पता करो। आखिर ये हमारे आते ही गायब क्यों हो गया? ओके सर।
बंटी इतना बड़ा तो नहीं है कि खुद से सीढ़ियां उतर सके, कोई उठाकर ही ले गया होगा। आप लोगों को वाकई में किसी पे कोई शक नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन सर बंटी कभी कभी चल के अर्चना दीदी के घर तक चला जाता था। अर्चना दीदी के बेटे सोनू मोनू बंटी को बहुत खिलाते थे। तुझे बोला तो था निमिषा कि बंटी हमारे यहाँ नहीं आया, तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट, घर कौन सा है आपका? सर वो सामने वाला। पूजा यस सर, घर चेक करो। यस सर। साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं? पूरा घर फैला दिया है आपने। मैंने कहा तो सही आपको कि बंटी जब खोया तब मैं घर पे नहीं थी। आप तो अकेले ही आई थी, फिर ये कौन? ये मेरी बेटी है सुरभि। बेटा आपने देखा था बंटी को? नहीं अंकल, मैं तो ट्यूशन गई थी। अंदर चेक करो, पूरा चेक करना अंदर, एक एक कोना सब। सर माना कि मेरे सोनू मोनू खिलाते थे बंटी को, मगर जब बंटी खोया तो मेरे बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। अगर आपने गायब नहीं किया है बंटी को तो फिर इतना घबरा क्यों रही हूँ? मैं कहाँ घबरा रही हूँ सर, आप लोगों ने पूरा घर फैला दिया है, ठीक कौन करेगा? क्या जरूरत थी फोन पे इतना दिमाग खराब करने की? इतना दिमाग बंटी का ध्यान रखने में लगाया होता तो। सर सबके घर बिल्डिंग के आसपास सब जगह चेक किया लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इसी गाड़ी से खेल रहा था बंटी, इसी से। शर्मा अगर बंटी किसी भी घर में नहीं है, श्योर कोई उसको उठाकर ले गया होगा। सर सामने वाली बिल्डिंग में एक सीसीटीवी मिला है, सोलंकी चेक कर रहा है उसके फुटेज। शर्मा सर, बिल्डिंग्स की छत आपस में मिली हुई है, मतलब एक छत से दूसरी छत पर आसानी से आया जा सकता है। बंटी के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस में डाल दो, शायद बंटी को किडनैप किया गया और श्रोती के लिए कॉल आए। हो गए सर। सर जिस दौरान बंटी गायब हुआ था उस दौरान ये रद्दी वाला ललन बिल्डिंग में ही था, उससे पहले कुछ और लोग और ये बच्चे बिल्डिंग से बाहर गए थे। बंटी का जी जी सर, पूरी दुकान अच्छे से चेक करो। बेटा आप लोग जब ट्यूशन के लिए जा रहे थे तो आप लोगों ने बंटी को रद्दी वाले लल्लन अंकल के साथ देखा था? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। सब मैंने कुछ नहीं किया, धंधे की कसम, मैं तो खुद बंटी को ढूंढ रहा था। ये बंटी, बंटी, बंटी ढूंढ नहीं रहा था, घुमा रहा था सबको, इसलिए हमारे आने से पहले वहां से गायब हो गया था। दुकान खुली थी इसके लिए 10 मिनट के लिए दोस्त को छोड़ के गया था, वो बार बार फोन कर रहा था इसलिए निकल गया वहां से। लेकिन तो बिल्डिंग में गया तो बंटी को गायब करना ही था ना? नहीं साहब, रद्दी लेने गया था। किस किस की रद्दी लाया? अर्चना मैडम और अब्दुल चाचा की। जी सर, ललन मुझसे रद्दी लेकर गया था, मगर ये सब पूछकर आप साबित क्या करना चाहते? देखिए अर्चना जी, अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं और अगर आपने सच नहीं बोला तो आपका झूठ साबित भी कर देंगे। अर्चना मैडम ने मुझे खुद फोन करके बुलाया था और जब मैं उनके फ्लोर पे पहुंचा तो बंटी वहीं खेल रहा था। कबाड़ सारा बालकनी में रखा है, जा ले आ।
जी मैडम। लेकिन साहब जब मैं अर्चना मैडम के यहाँ से रद्दी लेके निकला तब बंटी वहां नहीं था। नहीं था मतलब क्या? तूने खुद बंटी को बेहोश किया और उसे बोरे में डालकर बिल्डिंग के नीचे ले आया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ललन यहाँ से दो घर की रद्दी लेके गया था, एक आपके और एक अर्चना के। रद्दी लेकर गया तो क्या हुआ, तो हम भी उससे मिले हुए हैं क्या? सर अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, अगर ये बोरे में बंटी को डाल के लाया होगा तो कोई ना कोई ट्रेसेस तो जरूर मिलेंगे। सर एक मिनट, सर हो सकता है ये बंटी को यहाँ लाने से पहले ही कहीं और ठिकाने लगाया। इतना मार खा के झूठ बोलूंगा क्या? मैंने गायब नहीं किया बंटी को। सर ये ललन तो कुछ नहीं उगल रहा है, इसके दुकान और घर से भी कुछ नहीं मिला, और इस बिल्डिंग से इसकी दुकान और घर के रास्ते पर भी चेक किया लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि ललन ने बंटी को ठिकाने लगा। फिर भी मैंने इसकी दुकान का सामान और इसके कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेज दिए। ललन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, शायद बंटी को किडनैप करने की किसी ने इसे सुपारी दी हो। चौदह मिस कॉल है, इतनी बार कॉल कर रहा हूँ तुमको और तुम? बंटी खो गया था, उसको ढूंढती या फिर कॉल्स उठाती? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारे रहते बंटी खो कैसे गया? कहना क्या चाहते हो कि मेरी वजह से खोया है बंटी? हाँ तो क्या मेरी वजह से खोया है? निमिषा तुम ऐसे भाग नहीं सकती हो, मुझे जवाब चाहिए। आपने अपने गिरेबान में झांका है जो जवाब मांग रहे हैं, और वैसे भी आपको फर्क क्या पड़ता है हम जिए या मरे? निमिषा सर, सर मैंने बंटी के पेरेंट्स के बारे में डिटेल में पता किया तो दो सस्पेक्ट सामने आए हैं, एक आलोक की दुकान पे काम करने वाला संजीव और एक उनकी मेड विमला। सर संजीव आलोक के यहाँ करीब 6 महीने पहले से काम कर रहा था और इससे पहले जहाँ काम करता था वहां से उसे घपला करने के आरोप में निकाला गया था। सर संजीव ने अभी तक जहां भी काम किया वहां से उसे इसी तरह निकाला गया है। आलोक पांडे ने संजीव के बारे में सब कुछ पता करके इसे काम पर रखा था या फिर इसकी हिस्ट्री से मालूम ही नहीं थी? सर जब मैंने आलोक से इस बारे में पूछा तो उसने बोला कि सर मुझे तो संजीव ने बोला था कि वो इसके पहले चंडीगढ़ में कहीं काम करता था। चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली। दिल्ली की 4 दुकान वालों के यहाँ घपला किया था उसने। आपको क्या लगता है कि वो आपके यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा होगा? सर इस बारे में तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप संजीव के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? संजीव का आपके घर पे भी आना जाना था, क्या आपको लगता है वो बंटी को गायब कर सकता है? सर आलोक को मालूम नहीं है कि संजीव चीज क्या है, हो सकता है कि संजीव ने ही बंटी को किडनैप करने की प्लानिंग की हो। इस संजीव को थाने बुला। सर विमला 2 महीने पहले तक बंटी की मालिश करती थी लेकिन हमने उसे काम से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? सर हमने उसे साफ साफ कहा था कि बंटी के मालिश के 2,500 रुपए देंगे, लेकिन महीना खत्म होने के बाद ही कहने लगी कि उसे 3,500 चाहिए। ये क्या मैम साहब, महीने का 3,500 चाहिए मेरे को, 1,000 रुपया और दो। अरे विमला लेकिन 2,500 की बात हुई थी ना? 2,500 सिर्फ मालिश के, और बीच बीच में जो आप साहब के लिए चाय बनवाती थी उसके मुझे बढ़ा के चाहिए। उसके बाद उसने काम में इंटरेस्ट लेना भी बंद कर दिया सर, ऊपर से बंटी को गुस्से में जोर जोर से मालिश करती थी जिससे बंटी रोने लग जाता था। चुप, एकदम चुप, क्या कहाँ क्या किया जा रहा है? विमला क्या कर रही है तू? क्या कर रही थी तू? अरे वो मैम साहब, खबरदार जो तूने कोई झूठी सफाई दी मुझे, और तेरी हिम्मत कैसी है बंटी पे चिल्लाने की? सर मैंने उसे उसी दिन निकाल दिया लेकिन उसके 7 दिन के पैसे भी बकाया थे। मैंने बहुत कोशिश की सर कि उसे उसके पैसे दे दूं, लेकिन वो इतना अकड़ में थी कि अपने पैसे लिए बिना ही चली गई। संजीव जी, सुना है अपने मालिक आलोक के यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप, कहीं उसका दिल जीत के उसकी पीठ में छुरा तो नहीं भोंक रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे आज तक किसी को चूना लगाया ही नहीं है, तेरी पूरी जन्म कुंडली है हमारे पास। अगर आलोक के बेटे की किडनैपिंग में तेरा जरा सा भी हाथ है तो अभी बोलते नहीं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मानता हूँ कि पहले मेरे से गलतियां हुई है लेकिन अभी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। इस संजीव की फील्डिंग लगा के रखो, कहाँ जाता है, किसके से मिलता है, पूरी डिटेल चाहिए मुझे, और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में निकलवा। सर सर ये विमला के घर से मिला है, चांदी का है,
बंटी की मम्मी ने बताया कि ये बंटी का ही है और 3 महीने पहले उनके घर से खोया था। मानती हूँ साहब, मैंने वो चुराया, लेकिन उन लोगों ने मेरा 1000 रुपया कट करके दिया था। 3 महीने पहले बंटी का लॉकेट गायब किया और काम छोड़ने के 2 महीने बाद बंटी को ही गायब कर दिया। साहब मैं उस बिल्डिंग में 2 महीने से नहीं गई हूँ। लेकिन बंटी को गायब तुमने ही किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। किसे भेजा बंटी को? अपने 1000 रुपए वसूल करने के लिए? क्या बोल रहे हैं साहब, मैं ऐसे नहीं। साहब पूजा कुटो। ये विमला कुछ नहीं उगल रही है सर। जिस दिन बंटी गायब हुआ उस दिन किसकी एक्टिविटीज चेक करो और बंटी के पेरेंट्स से जुड़े हर इंसान की कुंडली निकालो। शायद कोई ऐसा हो जो विमला और संजीव की तरह इनकी नजर में ना आया। तुम तो कहती थी कि इससे बंटी को किसी की नजर नहीं लगेगी। गलत सोचती थी, सबसे बुरी नजर तो तुम्हारी है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। निमिषा, ये बार बार मुझे कोसना बंद करो। तुम जानती हो मैं तुमसे, बंटी से कितना प्यार करता हूं। ये सब उस विमला का किया था रहा। मैं उसकी जमानत नहीं होने दूंगा। उसने मेरे बेटे को, मुझे मेरा बंटी चाहिए। मेरा बंटी वापस ला के। सर, हमने उस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक की। बंटी जब गायब हुआ उस दौरान उस बिल्डिंग से काफी लोग बाहर निकले थे, हमने सबको खंगाला, लेकिन उस रद्दी वाले ललन के अलावा ऐसा कोई नहीं मिला जिस पर हम शक कर सके। ये देखिए सर, ये दोनों बच्चे उसी औरत के हैं ना जिसके घर से रद्दी वाला कबाड़ बोरी में लेकर नीचे उतरा था। हाँ सर, ये उसी औरत अर्चना के दोनों बच्चे हैं, सोनू और मोनू, और ये सुरभि जिसकी माँ हमारे पहुंचने के बाद बिल्डिंग में पहुंची थी। सर, ये सुरभि की माँ शकुंतला उस दिन सुबह 10 बजे बिल्डिंग से निकली थी और बंटी गायब हुआ 2:30 बजे। मैंने चेक किया कि वो उस समय गाजियाबाद में अपनी बहन के यहाँ थी। लेकिन उसकी बेटी सुरभि और वो दोनों बच्चे सोनू मोनू बिल्डिंग में ही थे। सर, सुरभि, सोनू और मोनू जिस कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ते हैं वहां से पता चला कि जिस दिन बंटी गायब हुआ था उस दिन तीनों बच्चे घर से तो साथ में निकले थे, लेकिन ट्यूशन सेंटर में सिर्फ सुरभि आई थी, सोनू और मोनू नहीं आए थे। What? हाँ सर, और सर सोनू मोनू के स्कूल और ट्यूशन सेंटर से पता चला कि दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं, अक्सर स्कूल और ट्यूशन बंक करते रहते हैं। उस दिन हम ट्यूशन जा रहे थे और सोनू मोनू पार्क के पास रुक गए थे। सुन सुरभि, हम पार्क में खेलने जा रहे हैं, तो जा। और सुन, अगर तूने किसी को बताया ना कि हम दोनों ट्यूशन नहीं आए तो दोनों भाई मिलकर बहुत मारेंगे तुझे। वो दोनों हमेशा मुझे मारने की धमकी देते थे, इसीलिए मैंने। सब वो दोनों भाई बहुत ही शरारती है, हमेशा मेरी बेटी को डराते रहते हैं। एक बार तो उन दोनों की वजह से मेरी बेटी को सब लोगों ने चोर भी समझ लिया था। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अगर केक चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। इन लोगों में कहाँ इतनी तमीज है। और सुरभि, तू भी इनकी जैसी निकली। मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके आए, मैं सच बोल रही हूँ। चुप कर, हर चीज में वो लोग मुझे फंसा देते हैं। बंटी के साथ उन्होंने क्या किया था उस दिन? नहीं मालूम सर, वो दोनों पार्क के पास रुके थे, बस इतना पता है। सर जरूर वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हमने सब पता किया है। उस दिन आपके दोनों बेटे ट्यूशन गए नहीं, और उस दिन जब रद्दी वाला आया तब बंटी यहीं पर था। उसके निकलने से कुछ देर पहले ही घर से निकले आपके दोनों बेटे।
बंटी पर आपका ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि आपके दोनों बेटों ने ही क्या सोनू मोनू सोनू मोनू ने क्या किया बंटी के साथ? कुछ तो किया ही होगा ना भाई साहब, तभी ट्यूशन नहीं गए। निमिषा आप समझ आए, उस दिन अर्चना ऐसे क्यों कर रही थी? जरूर हमेशा की तरह अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाल रही थी। तो आपको लगता है सोनू और मोनू ने बंटी को गायब किया होगा? अरे साहब, वो एक नंबर के लड़ाकू लड़के हैं, और जिस तरह से वो बंटी को उछाल उछाल कर खेलते थे ना, मुझे तो हमेशा डर लगता था एक ना एक दिन पक्का नुकसान पहुंचाएंगे उनको। अरे 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 अरे, अरे इतनी रात को बच्चे को लेकर आए और ऐसे उछाल रहे हो, गिर गया तो? अरे चाचा कुछ नहीं होगा। सर उस दिन के बाद से मैं बंटी को उन दोनों से दूर रखती थी, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती आ जाते थे बंटी को छेड़ने। बंटी, हे बंटी, बंटी, बंटी। चलो 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 चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी उम्र का है क्या ये? हाँ चलो जाओ अपने घर। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बच्चों ने निमिषा, जो अपने घर से निकाल रही हो? सर मैंने बंटी की सेफ्टी के लिए उन दोनों को डांटा था, तो उसकी मम्मी को बहुत बुरा लग गया था। यहाँ सब चिढ़ते हैं मेरे सोनू मोनू से, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया है। चुप रहिए। बेटा मोनू सोनू, उस दिन जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी, डरो मत, सब कुछ सच सच बता दो। अंकल हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया बंटी के साथ। अंकल हमने खेलने के लिए ट्यूशन बंक किया था, लेकिन हमने बंटी के साथ कुछ नहीं किया। सोलंकी सर, दोनों बैग फोरेंसिक के लिए भेज दो। सर अर्चना जी, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप और आपके दोनों बेटे शहर से बाहर नहीं जाएंगे। साहब आप मेरी बेटी पर शक कर रहे हैं? नहीं, अपना शक दूर कर रहा है। सर क्या लगता है, वाकई में ये दोनों बच्चे बंटी को गायब कर सकते हैं? हो सकता है खेल खेल में इन दोनों बच्चों के हाथों बंटी को हम पहुंचाओ, और ये डर की वजह से बंटी को अपने बैग में डालकर ले गए। इन दोनों बच्चों और उनकी मां पर नजर रखो, और उस दिन ये जहां पर खेलने गए थे आसपास का एरिया भी सर्च करो। ओके सर। सर ये बैग उसी तरह का, उसी साइज का है जैसे तीनों बच्चों के पास है, और ये डमी इसकी उतनी हाइट है जितनी बंटी की है। बैग खोलो। जिप बंद करो। मतलब बंटी को सुरभि सोनू मनु के बैग में डालकर ले जाया जा सकता था। लल्लन विमला और संजीव के बाद हमें लग रहा था कि शायद बंटी बिल्डिंग के बच्चों सोनू और मोनू की शरारत का शिकार भी हुआ हो सकता था, लेकिन फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा था, किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा था। बंटी कहां गायब हुआ था यह अब भी रहस्य बना हुआ था। बंटी के माता पिता समेत उनके आसपास रहने वाले लोगों से जुड़े कई और भी रहस्य थे जो हमारी थ्योरी बदल रहे थे। साहब सोनू मोनू तो बच्चे लोग हैं, उस बिल्डिंग में तो उनसे ही बड़े 30 मारखाने हैं। साहब वो मयूरी का पति सहदेव, मुझे सबसे ज्यादा शक तो उसी पे होता है। साहब वो आधी रात में बिल्डिंग से निकलता है, 2 बार मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन साहब कल रात में मैंने उसकी अच्छे से फील्डिंग लगाई। क्या ये सहदेव तंत्रमंत्र करता है? हाँ साहब, लेकिन क्यों करता है वो नहीं पता। सर ये मयूरी और सहदेव का कोई बच्चा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये तंत्र मंत्र बच्चा पाने के लिए करता हो और इसी तंत्र मंत्र के चलते बंटी उसके बलि का शिकार हो गया। और साहब वो अब्दुल चाचा, साहब बिल्डिंग में सबको लगता है कि वो बच्चों से प्यार करता है, लेकिन उसकी नजर ठीक नहीं है बच्चों पर। साहब वो कभी भी किसी भी बच्चे को उठा के घर में लेके आता है, लेकिन क्या करता है उनके साथ अंदर वो पता नहीं। मैं तंत्र करता हूं क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। किस तांत्रिक के कहने पर यह तंत्र कर रहा हूं? देखिए साहब, मैं किसी तांत्रिक के कहने पर तंत्र नहीं करता। मैंने तंत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं खुद से तंत्र की प्रैक्टिस करता हूं। कहीं इस प्रैक्टिस में बंटी को तो कुर्बान नहीं कर दिया? देखिए साहब, मैं ऐसी कोई साधना नहीं करता जिसमें किसी जानवर पर भी हिंसा हो, और फिर बंटी तो प्यारा बच्चा है। सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे पर, मैं तो बच्चों से प्यार करता हूँ। तो बंटी पे ऐसा क्या प्यार बरसाया जो वो गायब हो गया?
तो आपको लगता है कि मैंने गायब किया उसको? तो ऐसे थोड़ी ना उठा के लाया हम आपको। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, आपने मुझे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। आप मेरी साधना नहीं जानते, मेरा प्रकोप बड़ा भयंकर है। सोलंके सर, अभी से अपने डंडे का प्रकोप दिखा। मैं आपके हर दुख में आपके साथ खड़ी रही, और आप लोगों की वजह से पुलिस मेरे पति को उठा के ले गए। अरे कम से कम आपने अब्दुल चाचा की उम्र का तो लिहाज किया होता। अब समझ में आया ये क्या चीज है? अरे इनका बेटा क्या खोया, सब पे उंगली उठाने लगे। और तू क्या देख रही है शकुंतला, अगला नंबर ना तेरा ही होगा, देख लेना। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमने सच में पुलिस वालों से कुछ नहीं कहा है। हमें खुद नहीं पता है कि पुलिस सहदेव भाई और अब्दुल चाचा को क्यों साथ में लेकर गई। तुम्हें सब पता है, ड्रामा बंद करो अपना। हाँ, और अब हमारा आप लोगों से कोई मतलब नहीं। रो अपने बंटी के लिए। बस मयूरी, बहुत हो गया। अब अगर एक और शब्द कहा ना बंटी के खिलाफ तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, देख लेंगे क्या कर लोगे तुम लोग। चलो चलो। सर, ये अब्दुल और सहदेव दोनों मजे वो खिलाड़ी लगते हैं। दोनों ही बेखौफ होके बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और ललन की दुकान का सामान और इसके कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला है, और ना ही संजीव और विमला के खिलाफ कुछ मिला है। और सर, हमने सोनू मोनू और सुरभि के बैग की भी फॉरेंसिक जांच करवाई थी, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा है। अगर किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर बंटी गायब कैसे हुआ? सर, इस इन्वेस्टिगेशन में शुरू से एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। जब से बंटी गायब हुआ है, बंटी के पेरेंट्स ने किसी पर भी शक नहीं जताया है, और जिन पर हमने शक किया है उनके खिलाफ अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। शर्मा, बंटी के पेरेंट्स को अच्छे से खंगालो। हो सकता है बंटी के गायब होने के पीछे कोई ऐसा राज हो जो बंटी के पेरेंट्स से जुड़ा। ओके सर। निमिषा, ये बैग क्यों पैक कर रही हो? कहां जा रही हो? निमिषा, जवाब क्यों नहीं देती हो? माँ के पास जा रही। अब तक तुम्हारे पास सिर्फ बंटी के लिए ही थी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि अब हमारा बंटी वापस नहीं आएगा? निमिषा, हमारा बंटी जरूर मिलेगा, मुझ पे भरोसा रखो। तुम पर और भरोसा? निमिषा प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सर, मैंने आलोक के 2 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें एक सस्पिशियस नंबर मिला। ये आलोक इस नरेश नाम के आदमी के काफी टच में था। इन दोनों की फोन पर अक्सर बातें होती थी। सर, ये नरेश है कौन? सर, ये नरेश एक पिंप है, 2 नंबर का आदमी है। सर सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेश को आलोक ने अपने बेटे बंटी की सुपारी दी हो? लेकिन आलोक अपने बेटे की सुपारी किस मकसद से देगा? शर्मा, आलोक और नरेश दोनों को उठा लो। ओके सर। साहब, आलोक पांडे ने मुझे किसी की सुपारी नहीं दी। तो वो तेरे को फोन क्यों करता था? साहब, आइटम के लिए। सर, मैं बंटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, ऐसा आरोप मुझ पर मत लगाइए। मेरा बेटा है वो, अपने बेटे से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो नरेश को फोन क्यों करता था? बहुत सर, वो उसको सुपारी दी थी ना तूने अपने बेटे की? नहीं सर, मैं वो क्या सर, मैं अपने बेटे को नहीं मरवा सकता। बीवी को धोखा दे सकता है तो बेटे को भी मरवा सकता है? ये बोल, किस मकसद से मरवाया तूने अपने बेटे को? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बंटी को बहुत प्यार करता हूँ। और बीवी से तो प्यार होगा नहीं, तो फिर उसके बेटे से प्यार कैसे हो गया? सर, ऐसा कुछ मत कहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बंटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप पहले से जानती थी कि आपका पति घर के बाहर क्या करता था? आलोक जी, इतनी शर्म? कहाँ थे आप? सर, मुझे तो लगता था कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन वो तो एक सर, वो इस हद तक गिर सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब आप आलोक की हरकत के बारे में पहले से जानती थी? आपको कभी आलोक पर ये शक नहीं हुआ कि वो बंटी को? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं।
सर ना तो आलोक और नरेश कुछ उगल रहे हैं और ना ही आलोक की बीबी आलोक पे शक जता रही है। कहीं कहानी उल्टी तो नहीं? तुम्हें लग रहा है आलोक की बीबी और वो अपने ही बेटे को किस मकसद से? तू बोल रहा है कि बंटी को तूने नहीं मरवाया और तेरी बीबी साफ साफ बोल रही है कि तूने ही बंटी को मरवाया है। भरोसा तो हम तुझ पे भी नहीं कर रहे, पर तू बोल, जिस बीबी का तू भरोसा तोड़ रहा है क्या उसका कोई ऐसा राज है जो तू जानता है लेकिन गिल्ट की वजह से बोल नहीं रहा? आलोक जी आप ना बस रहने दीजिए, अब आप ना मेरे बारे में सोचते और ना ही बंटी के बारे में। बंटी 2 साल का हुआ नहीं, ऊपर से एक और बच्चा, आपने मेरे लिए सारे रास्ते खत्म कर दिए। ऐसा कब कहा था उसने? जब से उसको मेरे बारे में पता चला था वो हमेशा यही कह के ताने देने लगी थी मुझे। पहले तो मुझे लगता था कि शायद वो गुस्से में है, लेकिन मैं एक बात कहूं सर? बोल। मेरी तरह वो भी बंटी से बहुत प्यार करती है। गुस्से में कहा हो या किसी भी वजह से एक बार चेक करना तो बनता है। आलोक की बीवी को भी एक बार खंगाल। ओके सर। अब शक के दायरे में बंटी के माता पिता भी थे और बंटी के माता पिता समेत हम नरेश, लल्लन, विमला, संजीव, अब्दुल, अर्चना और सहदेव सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन बंटी किसके अपराध का शिकार हुआ था ये रहस्य फिर से हम सबको चौंका देने वाला था। सुना, उस दिन ना पुलिस ने मुझे फोर्स किया तो मैंने बता दिया कि तुम दोनों ट्यूशन्स नहीं आए थे, मैं बहुत डर गई थी। मैं कोई बात नहीं सुरभि, चिल मार, हम फ्रेंड्स हैं ना, हम सब गार्डन में जाके हाइड एंड सीख खेले, बहुत मजा आएगा। नहीं यार, गार्डन में हाइड एंड सीख खेलने में कोई मजा नहीं है, हम आगे जाके खेलते हैं ना। हाँ चल चले। 1 2 3 मैं आ रहा। लाश बंटी की ही थी, लाश पर जो कपड़े थे वो भी बंटी के ही थे। अब हम लाश का डीएनए बंटी के पेरेंट्स के डीएनए से मैच करवा रहे थे। पिछले 7 दिनों से वो लाश किसी की भी नजर में नहीं आई थी और उस लाश तक हमें उन्हीं बच्चों ने पहुंचाया जो हमारे शक के दायरे में थे, इसलिए हम फिर से सोनू और मोनू पर शक करने लगे थे, लेकिन असलियत और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। बेटा, बंटी की लाश वहां पर है ये आपको पहले से पता था? अंकल, हमें नहीं पता था कि वहां पर बंटी की लाश। बेटा, अगर आपको पता नहीं था तो फिर आप वहां गए क्यों? अंकल, हम सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैंने सुरभि दीदी को आउट कर दिया था, उसके बाद मैं मोनू भैया को ढूंढने गया और अंकल, सुरभि दीदी ने मुझे कहा। मुझे पता है मोनू कहाँ है, उधर सामने, लेकिन मैं तो वहां पे छुपा ही नहीं था। सर, जरूर उस लड़की ने जानबूझ के मेरे सोनू को वहां भेजा होगा, उसने पहले भी मेरे बच्चों को फंसाने की कोशिश की थी और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। सर भी, तुमने जानबूझकर सोनू को वहां भेजा ना, तुम्हें पहले से पता था ना कि बंटी की डेड बॉडी है वहां पर? तुम्हीं ने मारा है ना बंटी को? क्यों किया ऐसा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अगर केक चाहिए था तो मुझसे मांग लेते,
इन लोगों में कहाँ इतनी तमीज है? और सुरभि तू, तू भी इनकी जैसे निकली? मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके आए, मैं सच बोल रही हूँ। चुप कर। जब इनके साथ खेलती है तो उन्हें बड़ा दोस्त कहती है, और जब इनके साथ मिलके तू चोरी कर रही है तो कह रही इन्होंने चोरी की, तूने नहीं की। वाह, चल तू अपनी मम्मी के पास। नहीं चलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। चोरी करना सीख गई है तू? उन दोनों लड़कों के साथ रह रहकर तू चोरी करना भी सीख गई है? हाँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे मारा और सबने मुझे चोर बोला, पर मैंने चोरी नहीं की थी। तो तुमने निमिषा आंटी का गुस्सा उनके बेटे बंटी पर निकाला? तेरी मम्मी की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सोनू और मोनू रोज ट्यूशन बंक करते थे, उस दिन भी उन्होंने यही किया और मैंने। तुम्हें तो पहले से पता था कि बंटी की डेड बॉडी है वहां पर, फिर भी तुमने सोनू को वहां भेजा। तुम बंटी के साथ साथ सोनू मोनू को भी पनिश करना चाहती थी। हाँ, क्योंकि उन दोनों की वजह से सब लोगों ने मुझे चोर समझा और बंटी के पेरेंट्स को लगा बंटी उनको मिल जाएगा, पर मैं उनको दिखाना चाहती थी बंटी उनको कभी नहीं मिलेगा। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, मुझे पता है उसने चोरी नहीं की। उसी दिन से वो चुपचाप रहने लगी थी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि वो अपने अंदर इतना गुस्सा रख के बैठी। सुरभि अभी सिर्फ 14 साल की थी, जिस तरह से अपराध किया गया और अपराध करने के बाद जिस तरह से उसके द्वारा मैनिपुलेशन किया गया, उसने हम सबको हैरान कर दिया। सुरभि ने बंटी की लाश को जिस बैग में डालकर डंप किया, उस बैग की उसने इतनी चालाकी से सफाई की कि फोरेंसिक जांच में सब कुछ सामान्य नजर आया। समझने की बात यह है कि अगर सुरभि ने बंटी के माँ बाप को और ज्यादा दुख पहुंचाने के लिए सोनू और मोनू को बंटी की लाश तक नहीं पहुंचाया होता तो शायद हम इस केस को कभी सोल्व ही नहीं कर पाते। आखिर ये कैसा गुस्सा पनप रहा था सुरभि के मन में? सुरभि की साइकोलॉजिकल कंडीशन के लिए हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की। अपनी खुशी को जाहिर करना बच्चों में एक स्वाभाविक गुण होता है, पर अपना दुख, परेशानी और गुस्से को छुपाने की क्षमता बच्चों में हम बड़ों से कहीं ज्यादा होती है। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे अपना दुख, परेशानी, गुस्सा बड़ी आसानी से भुला देते हैं, पर नहीं, बच्चों का मन इतना तीव्र होता है कि वो कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं भुला पाते। उनके मन से इन बुरी बातों का ख्याल मिटाने के लिए एक अच्छी परवरिश की जरूरत होती है। अक्सर हम अपनी निजी जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि अपने बच्चों पर इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनकी हरकतें समय समय पर इस बात की दस्तक देती हैं कि
कि सब कुछ सामान्य नहीं है और यही चूक सुरभि की माँ से भी हुई, चूक बंटी के पेरेंट्स से भी हुई। उनका आपसी तनाव उन पर इतना ज्यादा हावी हुआ कि उन्हें होने वाले अपराध की दस्तक ही महसूस नहीं हुई और अपराध ने अपने पैर ऐसे पसारे कि एक साथ दो परिवार बिखर गए। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं बचाना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।